दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। दोस्तों, इंटरनेट का यूज हम सब लोग डेली करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे अकाउंट रजिस्टर करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और भी डिफरेंट वर्क्स करते हैं। पर क्या आपको पता है कि हैकर्स उन वेबसाइट से आपके डिटेल्स हैक कर सकते हैं? इतना ही नहीं दोस्तों, वो आपके बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड्स तक का भी पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे एक हैकर वेबसाइट को हैक करते हैं। इसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। स्वागत है आपका और आज मैं आपको बताऊंगा हैकर्स कैसे वेबसाइट हैक करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला एंड मोस्ट यूज हैकिंग टेक्निक है XSS और CSS अटैक। इससे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक भी कहते हैं। दोस्तों, XSS अटैक समझने के लिए आपको बेसिक HTML और JavaScript की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि वेब पेज HTML और JavaScript से बनती है। अब अगर HTML कोड्स डालकर वेबसाइट बनाते वक्त अगर डेवलपर गलती से उन कोड्स को क्लोज करना भूल जाए तो यहीं पर वेबसाइट्स वल्नरेबल हो जाता है। और ये वल्नरेबिलिटी होती है वहाँ पर जहाँ पर हम अपने ईमेल, पासवर्ड्स या फिर सर्च एंट्री करते हैं। इसके बाद हैकर्स सिंपल बेसिक HTML कोड से चेक करते हैं कि वेबसाइट्स वल्नरेबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी हैकर ने कोई वेबसाइट्स ओपन किया, अब वो वहाँ सर्च पैनल में सर्च करेगा, HTML कोड्स टाइप करेगा लाइक बी अंडर ब्रैकेट हैक बी ब्रैकेट क्लोज। तो अगर वो रिजल्ट बोल्ड लेटर्स में शो करता है, इसका मतलब वेबसाइट्स वल्नरेबल है। अब हैकर्स यहाँ पर एडवांस जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उसके ओरिजिनल वेबसाइट पे अपने कोड्स इम्बेड या ऐड कर देगा, जिससे अगर कोई यूज़र उस वेबसाइट में इंटर करे तो उससे रिडायरेक्ट कर दे अपने फिशिंग वेबसाइट पर या फिर उसकी कुकीज़ स्टील कर ले। और भी बहुत तरीके हैं, ये बस एक दो एग्जाम्पल थे ये बताने के लिए कि आप वेबसाइट में एक्सेस वल्नरेबिलिटी मिलती है तो हैकर उस वेबसाइट्स को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा टेक्निक है SQL इंजेक्शन। दोस्तों, जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर जो डेटाबेस होते हैं वो MySQL के थ्रू बनाए जाते हैं। थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, वेबसाइट की डिज़ाइनिंग होती है वो HTML कोड्स और JavaScript से तैयार होती है, ये तो मैंने पहले बताया। पर जो आपको लॉगिन डिटेल्स, पासवर्ड्स और अदर फॉर्म डिटेल्स या वेबसाइट के सारा डाटा टेबल्स और रॉज के फॉर्म में वेबसाइट में स्टोर होता है, और यही डेटाबेस टेबल्स एंड रॉज SQL से बनते हैं और उसी में रहते हैं। अब ये तो बात हो गई SQL की, अब बताता हूँ कि आखिर कैसे हैक करते हैं SQL इंजेक्शन से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हैकर्स SQL इंजेक्शन वल्नरेबल साइट्स ढूंढते हैं और इसके लिए वो गूगल पर डॉक्स सर्च करते हैं। गूगल डॉक्स एक शॉर्टकट है जिसका यूज़ प्रोफेशनल्स करते हैं ताकि वो किसी पार्टिकुलर कैटेगरी के वेबसाइट को ढूंढ सकें। फॉर एग्जांपल, अगर शॉपिंग साइट्स ढूंढना है तो गूगल में सर्च करेंगे शॉपिंग shopping?php.id=?, अब गूगल सारे शॉपिंग साइट्स शो कर देगा। पर इसी के हेल्प से अटैकर्स वेबसाइट के वल्नरेबिलिटीज भी ढूंढ लेते हैं, क्योंकि डॉक्स रिजल्ट में तो टॉप रिजल्ट्स वही वेबसाइट्स हैं जो वल्नरेबल हैं और SQL इंजेक्शन जिन पर यूज़ किया जा सकता है। तो वो फिर जब वेबसाइट ढूंढ लेते हैं तो उनमें कुछ कोड्स इंटर करते हैं जिसमें टेबल्स और रॉज के लिए रैंडमली कोई नंबर इनपुट करते हैं, मोस्टली 1 से 20 के बीच। और जब करेक्ट टेबल नंबर और रॉ नंबर मैच कर जाता है तो वेबसाइट्स के सारे डिटेल्स शो हो जाते हैं। ये कोड्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे समझने में, एक सिंपल मेथड बताता हूँ जिससे इजीली SQL इंजेक्शन यूज किया जा सके। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर है हावीज, इससे बस ओपन करना है डॉक्स से ढूंढने हुए वेबसाइट URL, जैसे कि कोई भी एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो अब URL में इंटर करके स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देने से स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ मिनट में रिजल्ट आपके सामने। अगर आपके मन में हैकिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या फिर
टेक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और ज़्यादा क्लियर से समझा सकूं इसलिए उस पर वीडियो भी बना दूंगा।